हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। टुडे आई डिस्कस अबाउट दोस्तों हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, बाल झड़ने की समस्या जिन लोगों के हैं उसके बारे में आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आप बाल झड़ने की समस्या से निजात पाएँ। और उसका होम्योपैथिक साइंस में बहुत ही अच्छी से अच्छी मेडिसिन है दोस्तों हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम का। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जान जाए कि बाल झड़ता क्यों है। तो दोस्तों इसके बहुत सा कारण है, जैसे जेनेटिकल प्रॉब्लम है, वंशानुगत प्रॉब्लम, जिन लोगों को है उनको ये बाल झड़ने की समस्या होती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उसे भी ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। जो खान पान पर विशेष ध्यान न देते उन लोगों को भी होता है। डायबिटीज़ की समस्या, उन लोगों को भी दोस्तों हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हर एक रोगों को अलग अलग समस्या होती है। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को हेयर फॉलिंग की समस्या है तो हर एक का अलग अलग कुछ रीज़न है, उसके वजह से हेयर फॉलिंग की समस्या होती है। जो ज़्यादा पॉलिशिंग वाली जगह पर काम करते हैं उसे भी हेयर फॉलिंग की समस्या होती है, और किसी को नहीं भी होती उसका भी कुछ कारण है। लेकिन हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव है। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको हेयर फॉलिंग की समस्या होती है। और हेयर फॉलिंग की समस्या हो जाने के बाद अब कम एज के लड़कों को अगर हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर्सनैलिटी ख़राब हो जाता है दोस्तों। और ओल्ड एज में अगर बाल झड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बाल के शौकीन हैं, वो बूढ़े हैं या जब बच्चे हों, बाल रखना ही चाहते हैं क्योंकि बाल से उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं, आप अपने बैलेंस डाइट पर ध्यान दें। आप लोगों को बस कॉमन से कॉमन चीज़ बताएंगे और हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम से आप तुरंत निजात पा जाएंगे। बस अपने बैलेंस डाइट पर ध्यान दें, खान पान ठीक करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन से निजात पा लें। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को हेडेकल प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को होम्योपैथिक साइंस में देखा जाता है। और उनके लिए जिन लोगों को हेडेकल प्रॉब्लम है उसके लिए थूजा मेडिसिन बहुत ही बेटर मेडिसिन है। थूजा 200 पावर में लें, सुबह में 2 बूंद और 2 बूंद शाम खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों के लिए भी होम्योपैथिक साइंस में दवा है दोस्तों, एसिड फॉस्ट मेडिसिन है। जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम खाएं, 30 नंबर पावर में लें। और भी बहुत सारे होम्योपैथिक में है, जैसे फेरम फॉस है, नक्स भूम है, फॉलिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है होम्योपैथिक साइंस में दोस्तों। और बहुत सारे वीडियो में आप मेडिसिन को देखेगा, लेकिन दोस्तों बस इजी वे में जो मेडिसिन को देखें उसे आप ले सकते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई है तो आप नज़दीक के फिजिशियन जा कर के संपर्क करके तब जा कर के उस मेडिसिन को लें। लेकिन हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम का होम्योपैथिक साइंस में बहुत ही बेटर से बेटर मेडिसिन है। लेकिन आपको इसके साथ कुछ करना होगा, एक्सरसाइज जो आपको प्रॉब्लम है खुल के बताएं तो ज़्यादा बेटर वे में आपको हेयर फॉलिंग की जो समस्या है तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और भी जैसे जबरंडी क्यूब है दोस्तों, उसे भी लगाया जाता है। लेकिन आज कुछ नए 2 मेडिसिन बताएंगे जिन लोगों को स्ट्रेस की समस्या है, एसिड फॉस ने, और थूजा जिन लोगों को वंशानुगत प्रॉब्लम है, और थूजा मेडिसिन का सेवन करें। कितना पावर में सेवन करना है तो आप अपने नज़दीक के फिजिशियन से संपर्क कर लें, और नहीं तो 200 पावर में लेकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन और अंग्रेजी मेडिसिन जो है उसे भी साथ मिले, ऐसा नहीं कि कोई भी पैथिक का एक मेडिसिन खाएं ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों आज हम हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम के बारे में बताएं जो बहुत ही बेटर काम करती है, जो टिप्स बताएं, बस थोड़ी सी ध्यान दें और हेयर फॉलिंग के प्रॉब्लम से आप तुरंत निजात पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।